नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लिटिल बर्ड का मेन बॉडी पार्ट और सारे पार्ट बनाने सीखे थे। आज की वीडियो में हम इसके आगे बनाना सीखेंगे। अगर किसी ने इस लिटिल बर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ना देखा हो तो मैंने उसका लिंक आई बटन में डाल दिया है, आप जाके पहले उसे देख लें। तो इसके आगे हम लिटिल बर्ड कैसे बनाई जाएगी ये सीखेंगे। तो देखते हैं ये कैसे बनेगी। सबसे पहले हम इसका हेड बनाएंगे। ये देखिए, ये फेस जो है हेड वो बनाएंगे। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेड से, ये हेड साइड है तो उसका जो फिफ्थ रो है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ रो में, और इधर साइड से गैप दिख रहा है आपको हल्का सा, उस साइड में बनाएंगे हम। तो इस तरीके से हेड में डालेंगे बीच में मिडल में, और 1 2 3 4 फिफ्थ रो में हम इस तरीके से।
सीधे उसे कट कर देंगे आप। अब इसके बाद हम एक व्हाइट कलर का यार्न लेंगे और इस तरीके से 1 2 3 फिंगर में 1 2 3 4 5 6 बार रोल करेंगे और जैसे कट कर देंगे। अब इसके बाद इसमें अब इसके बाद हम ये येलो कलर का यार्न डालेंगे नीडल में और इसे इस तरीके से बनाएंगे। इसे टाइटली बांध लेंगे। इस तरीके से बन गया। अब उसके बाद देखिए इस तरीके से लग रहा है कुछ। फिर उसके बाद हम आई होल बनाएंगे, आंखों के लिए जगह बनाएंगे। तो देखिए
इसके बिल्कुल सामने इस तरीके से। बिल्कुल नीडल को सीधा रखेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा इसे दबाएंगे, खींचेंगे अंदर की साइड। इस तरीके से ये आंखों के लिए जगह बन गई है। अब उसके बाद सीजर से कट कर देंगे इसे भी। जहाँ पे ये होल है, हल्का सा जो गड्ढा है, उस जगह से निकालेंगे इस तरीके से। अब इधर साइड भी बना लेंगे ऐसे ही। देखिए अब इसके बाद इसे जो बनाई है डिजाइन, उसको हम इस तरीके से देखिए इसके बाद ये जो दो पार्ट बनाए थे हमने, उसको हम इस तरीके से इस तरीके से पूरा सिल देंगे। देखिए इस तरीके से जैसे हमने इसे सिला है, इसे भी ऐसे सेम सिल लेंगे। इसको भी
देखिए ये दोनों पार्ट बन के तैयार हो गए हैं। अब उसके बाद हम इसको इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इस जॉइंट कर देंगे इस तरीके से कस के। इसी तरीके से आप इसमें भी सिल लेंगे। इस तरीके से भी बना लेंगे। देखिए हमारे दोनों पर बन के तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसे इस जगह इस तरीके से स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। सबसे पहले हम इस तरीके से जैसे ये है ये पर को इसको इस तरीके से रखेंगे और इस पर को भी हम इस तरीके से रखेंगे इधर साइड से दोनों साइड से। और इस तरीके से अच्छे से स्टिच कर देंगे। ये देखिए पर लग गए हैं हमारे, ये पंख लग के तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद ये जो निकल रहा है धागा उसे हम सीजर से कट कर देंगे। अब इसके बाद हम जो पीछे वाली टेल है जो उसे हम इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से। हम इस जगह इसे स्टिच कर देंगे।
देखिए ये पीछे वाले पर सिल गए हैं, स्टिच हो गया है यहाँ पे। अब उसके बाद ये थोड़ा सा अलग अलग सा लग रहा है, तो इसके लिए हम ये इस तरीके से इसको भी इसी तरीके से जैसे हमें ये वाला किया है उसी तरीके से सेम बिल्कुल वैसे ही इसको भी कर लेंगे। इस तरीके से देखिए स्टिच हो गया अच्छे से। अब उसके बाद सीजर से कट कर लेंगे इसको हम। अब उसके बाद हम इसकी लेग लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसके लेग यहाँ पे लगा देंगे, तो ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और कुछ इस तरीके से देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से बीच में इस तरीके से हाफ करके फिर इधर साइड में इस तरीके से, और फिर लेग जो दूसरा पैर है उसको हम इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर देंगे, सिल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप दूसरा लेग भी लगा लेंगे हम। जैसे कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम ये चीज यहाँ पे स्टिच कर लेंगे दोनों साइड इस तरीके से स्टिच कर लेंगे हम यहाँ पे। देखिए इस तरीके से ये लिटिल बर्ड बन के तैयार हो गई है। इसे बनाना कितना आसान था, देखने में बड़ी ही खूबसूरत सी लग रही है ये रंग बिरंगी चिड़िया। तो आज हमने ये खूबसूरत सी प्यारी सी लिटिल बर्ड बनानी सीखी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और इसी तरह की और वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में हो सबसे पहले।